दोस्तों, आप सभी रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में तो जानते होंगे, जो का हमारे पोइट रहे हैं और काफी फेमस फिलोसफर भी हैं और सोशल रिफॉर्मर भी हैं, जिन्हें लिटरेचर के लिए का नोबल पुरस्कार भी दिया गया था और जो है जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, जो जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है काफी एग्जाम्स में आए हैं, लेकिन उनके बारे में काफी कम हमें बताया गया है। तो लीजेंड्स बायोग्राफी के सेक्शन में दोस्तों आपका स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। तो इससे पहले भी हमने दोस्तों लीजेंड्स बायोग्राफी के सेक्शन को में जो है एक वीडियो बनाया था अल्फर्ड नोबल के बारे में, जो जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर अल्फर्ड नोबल्स के बारे में आप वहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले और आपसे एजुकेशन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर जो भी वीडियो हम बनाते हैं वो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल द ओशियन ऑफ एजुकेशन। तो आज हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जो है मॉडर्न इंडिया के काफी फेमस पेंटर रहे हैं, और इनकी जन्म की बात करें तो दोस्तों 7 अगस्त 1871 में इनका जन्म जोरासांका के कैलकटा में हुआ, जो कि प्रेजेंटली वेस्ट बंगाल में पड़ता है। अगर दोस्तों इनकी एजुकेशन की बात की जाए तो संस्कृत कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की, एजुकेशन कंप्लीट की। संस्कृत कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। और इन्हें जो है ये फेमस किस लिए है, ये जो है फाउंडर रहे हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के, एंड फाउंडर ऑफ बंगाली स्कूल एंड स्कूल ऑफ आर्ट। बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट के फाउंडर है और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के फाउंडर है। ओरिएंटल आर्ट दोस्तों हिंदी में अगर इसे कहें तो प्राच्य कला कहते हैं। ओरिएंटल जो एशिया के कॉन्टिनेंट और आसपास की रीजन से जो भी जो है जो प्राचीन की जो चीजें होती हैं उन्हें आर्ट के फॉर्म में, चित्रकारी के फॉर्म में दर्शाना ही जो है ओरिएंटल आर्ट कहलाता है। तो ये जो है ओरिएंटल आर्ट के जो है फाउंडर रहे हैं, एंड जो है बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट के फाउंडर रहे हैं। और इन्हें दोस्तों अवन ठाकुर का टाइटल भी दिया गया था, बिकॉज इनसे इन्होंने जो चिल्ड्रंस के लिए काफी चिल्ड्रंस पर काफी लिखा था और चिल्ड्रंस से डेडिकेटेड काफी अपनी राइटिंग्स में लिखा हुआ था, तो इन्हें जो है अवन ठाकुर के नाम से भी टाइटल दिया गया था। और दोस्तों इनकी जो फेमस वर्क्स हैं, जो फेमस पेंटिंग्स हैं, जो सभी एग्जाम्स में आती हैं, जो है बार बार SSC में पूछी जाती हैं, तो वो है वैसे तो इनकी काफी फेमस पेंटिंग है, इन्होंने काफी हमें फेमस पेंटिंग दी, लेकिन जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट फेमस पेंटिंग्स है उनके बारे में हमने जिक्र किया है। तो दोस्तों गणेश चन्नी जो है इनके द्वारा बनाई गई है, काफी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पेंटिंग। सेकंड इज बीना प्लेयर, थर्ड इज भारत माता। भारत माता दोस्तों SSC में कई बार पूछी जा चुकी है, और पासिंग ऑफ शाहजहां एंड जर्नी एंड, तो ये जो है 5 इंपोर्टेंट पेंटिंग्स थी जो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बनाई गई थी। तो अगर इनकी दोस्तों मृत्यु की बात करें तो 5 दिसंबर 1951 में 80 साल की उम्र में जो है वेस्ट बंगाल कलकत्ता के में इनकी जो है डेथ हो गई थी। तो ये तो थी दोस्तों इनसे रविंद्रनाथ टैगोर की लाइफ से और इनके वर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफी यूजफुल है। इनकी वॉर्न कहाँ हुए एंड इनकी एजुकेशन क्या है, फाउंडर किस किस चीज के रहे, एंड इनके द्वारा फेमस पेंटिंग्स क्या थी, और इनकी जो है मृत्यु कहाँ हुई। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं, और हमारे ऐसी एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए और एजुकेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में दोस्तों ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस लीजेंड्स में देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर टुडे सेशन।